हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी वेलकम है आप सभी का आपका अपना चैनल ओएसिस एकेडमी ओरिजिनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। यानी जो भी नंबर हमारा गिवन है उसका स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे वो मुझे क्या करना है, फाइंड करनी है। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, जब तक जो भी नंबर हमारा गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर लेते। लेकिन कंडीशन है क्वेश्चन में विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी बिना कैलकुलेशन करते हुए मुझे उसका नंबर ऑफ डिजिट पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं क्या है इसका मेथड। इसका जो मेथड है, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 64, यानी इसका हम स्क्वायर रूट अगर फाइंड करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी ग्रुपिंग करना यानी बार लगाना। अब यहाँ पर हमने जो बार लगाया, यानी नंबर ऑफ बार जितने बार होंगे, जितने टाइम्स होंगे नंबर ऑफ बार, उतने ही डिजिट का क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट उतने ही होगा। यानी वन बार 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 लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ वन डिजिट का आंसर आ जाएगा। ठीक। और जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि नंबर ऑफ डिजिट अगर इवन हो तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम करेंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट इवन हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू। ठीक। और अदर फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक। ये दो ही फॉर्मूला से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब जो हमने यहाँ बार से निकाला है, वन डिजिट आ गया, गेस कर लिए कि वन डिजिट। ठीक। वैसे भी मुझे पता है 64 का क्या होगा, 8, यानी स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे तो 8 होता है। तो कितने डिजिट का हुआ, 1 डिजिट का। चलो ये छोटा नंबर था तो हमने पता कर दिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तब हम कैसे करेंगे, तो या तो आप इस बार लगा करके गेस कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला से, ये दो फॉर्मूला जो हमने राइट डन किया है उस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1, 2, यानी क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, एन अपॉन टू। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2, तो लिखेंगे 2 अपॉन 2। अब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 डिजिट। यानी हमारा बार लगा करके, यानी राइट साइड से हमने जो ग्रुपिंग किया उससे भी हमारा 1 डिजिट का ही आया, और फॉर्मूला से भी 1 डिजिट का ही आंसर आया। ठीक। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 144, यानी 144। अब इसको बार लगा करके भी मैं आपको बता देती हूँ प्रत्येक क्वेश्चन का, और फॉर्मूला से भी बता देती हूँ। चलिए अब इसका बार लगाते हैं, 1, और 1 नंबर क्या बच गया, अकेला। तो इसका भी कितने बार बार आ गया, 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डिजिट का आंसर आ जाएगा। ठीक। आप इस तरीके से गेस कर सकते हैं बार लगा करके। ठीक। और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, यहाँ पर ऑड है, बिकॉज कितने हैं, 1, 2, 3, 3 हमारा ऑड नंबर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिजिट अगर ऑड हो तो इसका फॉर्मूला है एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 अपॉन 2। अब 3 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, 4, और 4 अपॉन 2। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 डिजिट। 2 डिजिट का हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, हमने बार से भी 2 डिजिट का आंसर फाइंड हुआ और फॉर्मूला से भी 2 डिजिट ही फाइंड हुआ। ठीक। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4489, यानी अब बार लगा करके चेक कर लीजिए कितने आंसर आ गया, नंबर ऑफ बार कितने होंगे, 2। ठीक। राइट साइड से हमने पेयर बना लिया, यानी यहाँ पर कितने हो गए, 2 डिजिट। ठीक। अब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर कितने टाइम्स बार है, यानी 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4, यानी इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसका, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, फॉर्मूला से भी हमारा 2 डिजिट ही आंसर आया। ठीक। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट साइड से बार लगाएंगे। ठीक। बार लगा दिया, कितने टाइम्स बार आ गया, 3 टाइम्स, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिजिट का। ठीक। अब फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, अब हम फॉर्मूला क्या हो जाता है,
अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो 1 2 3 4 5, यानी हमारा नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर ऑड आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 5, यानी 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 1 6/2, 2 3 6 इज इक्वल टू 3 digits, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार लगाकर भी कर लिए और फॉर्मूला से भी फाइंड कर लिए, ठीक। अब फिफ्थ नंबर जो फिफ्थ पार्ट है, अब इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बार लगाते हैं, कितने टाइम्स बार आ रहा है, 1 2 3, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 3 digit, ठीक। अब फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट क्या है, काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ डिजिट हमारा इवन है, तो इसका फॉर्मूला पता ही आपको, n अपॉन 2 होता है, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 6 6/2 और 2 3 6 इज इक्वल टू 3 digit, यानी इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर लिया। कितने इजी था, यानी क्या था इसका मेथड, जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड ये था कि हम राइट साइड से बार लगा लीजिए, या फिर किसी भी साइड से आप बार लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कंडीशन राइट साइड से ही, हमने बार लगाया, जितने टाइम्स बार आया उतने डिजिट का हमने गेस कर लिया, ठीक। यानी यहाँ 1 times बार था तो 1 digit आ गया, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नंबर ऑफ डिजिट अगर इवन हो तो इसका फॉर्मूला n अपॉन 2, और नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो तो इसका फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2। इसी दो फॉर्मूला से हमने फाइंड किया, तो फर्स्ट का नंबर ऑफ डिजिट क्या है 1 2, यानी ऑड नंबर आ गया, सॉरी इवन नंबर आ गया, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला n अपॉन 2, और 2/2 कट गया 1 digit का फॉर्मूला से भी आ गया। इसी तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी किया, बार से भी किया, यानी हमने बार लगाया, कितने टाइम्स बार आया 2 times, तो यहाँ बार से भी 2 digit आ गया, और नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑड 1 2 3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया n प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितने आ गया, नंबर ऑफ डिजिट हमारा कितने है 3, तो 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 digit, तो फॉर्मूला से भी हमारा 2 digit का ही आया, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल वे से कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, यानी जो भी हमारा डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए करते हैं, 2.56 है, ठीक है। अब डेसिमल वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट में कोई चेंजेस नहीं है, जहां पर डेसिमल है वहां पर हम क्या करेंगे, डेसिमल डाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का, राइट साइड से पेयर बनाना, ठीक। तो वन नंबर, वन पेयर बन गया, और वन नंबर क्या बच गया हमारा, सिंगल नंबर बच गया, तो सिंगल नंबर बचा या फिर पेयर वाले नंबर बचेगा, हम पहले फर्स्ट नंबर का काम करेंगे, ठीक। अब 2 है तो किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 2 आ जाए, या तो 2 के इक्वल आ जाए या फिर 2 से कम। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जो कि इस नंबर से क्या है, बड़ा नंबर आ जाता है। तो 2 के जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर ले लेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, ठीक। अब 2 में से 1 क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 के बाद क्या है हमारा, डेसिमल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 का काम कर लिया है, यानी 1 का स्क्वायर ले करके हमने 2 में से 1 माइनस कर दिया है, अब 1 बच गया, यानी 2 का वर्क पूरे तरीके से फिनिश हो गया। तो 2 के बाद जो डेसिमल है वो डेसिमल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जो डेसिमल के बाद जो पेयर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या है 5 6, ठीक। अब हम 2 के आगे कौन सा नंबर रखें कि 156 आ जाए, तो इसका सबसे इजी तरीका है, क्योंकि अब 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 में, यानी 6 जो लास्ट वाले नंबर है, यानी 6 है, इसका यूनिट डिजिट से हम पता कर लेंगे, यानी 6 का जो किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा यूनिट डिजिट 6 आता है, या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा आपको, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो 2 के आगे या तो हम 4 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 2 के आगे 6 रखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर रखेंगे
उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, 4 4 16, 2 4 8 और 1 9, जो कि पॉसिबल नहीं है, 96 आया, यहाँ है 156। अब हम 6 से पता करेंगे, दोनों में से कोई एक रखने पर हमारा 156 आ जाएगा। अब लास्ट यही है, 6 6 से 36 कैरी 3, 2 6 से 12 और 3 15, यानी 6 रखने पर और 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ गया, 156 आ गया। ठीक है, अब 156 में से 156 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 0। ठीक, अब लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया, 1.6। ठीक, तो जो हमारा डेसिमल वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, जहाँ पर हमने 2 का काम कर लिया, यहाँ 2 पर 2 का काम कर लिया, अब 2 के बाद डेसिमल आया तो हमने क्या किया, हाँ 1 के बाद डेसिमल डाल दिया, और जो पेयर है वो पेयर वैसे ही नीचे आ गया। ठीक, अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है, 7.29। अब चलिए इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसका भी वैसे करेंगे, राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे। ठीक, अब हमारा क्या बन गया, 1 पेयर बन गया और 1 नंबर क्या बच गया, सिंगल। तो अब हम फर्स्ट नंबर का यानी काम करेंगे। अब 7 है तो किस नंबर, 7 मुझे पता है स्क्वायर नंबर नहीं है, तो किस नंबर का स्क्वायर करें कि या तो 7 से कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जो कि इस नंबर से क्या है, बड़ा है, तो 3 के जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 7 में से 4 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा मुझे, 3। और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। अब जो नेक्स्ट, अब 7 के बाद जो है नेक्स्ट क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल ऊपर डाल देंगे, और डेसिमल के बाद क्या है, हमारा पेयर है, तो पेयर नीचे आ जाएगा और डेसिमल क्या हो गया, हमारा ऊपर चला गया। ठीक, 2 9 है। ठीक, अब यहाँ 4 के आगे कौन सा नंबर रखे कि 329 आ जाए, तो 329 में हम लास्ट का डिजिट देख लेंगे, लास्ट का डिजिट क्या है, 9। तो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर ये 9 आता है, या तो 3 रख दीजिए 4 के आगे, या फिर 7। ठीक, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 4 के आगे 3 रखेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 के आगे 7 रखेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 रखने पर तो इतना आएगा नहीं, देख लीजिए 3 3 9 और 4 3 12, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 7 रखने पर और 7 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 3 रखने पर आया नहीं, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 कैरी 4, 4 7 जा 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। तो 7 रखने पर और 7 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया, 329। अब हम 329 में से 329 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, 0। और अब लिखेंगे क्या, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू कितना, आंसर आया हमारा 2.7। ठीक, इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, 51.84। ठीक, अब इसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट साइड से पेयर बनाना, हमने पेयर बना लिया, कितने पेयर बन गया, 2 पेयर। अब फर्स्ट पेयर का अब हम सबसे पहले काम करेंगे, देखेंगे कितना है, 51। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, जो कि इस नंबर से बड़ा नंबर आ जाता है, तो इसके जस्ट पीछे वाले यानी 8 के जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे हम 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए करते हैं, 11 में से 9 जाएगा 2 और 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक, अब हमने 51 का काम कर लिया, 51 के बाद क्या है हमारा, डेसिमल, तो डेसिमल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और जो पेयर है, पेयर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, 84 है तो 84 हमारा नीचे आ जाएगा। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था यानी 7 से मल्टीप्लाई किया था, 7 क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 7 कितना, 14। अब इसके आगे कौन सा नंबर रखे 14 के आगे कि इतना आ जाए,
तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 284 है, तो यानी 2 रख देंगे तो 284 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। वैसे आप यूनिट डिजिट से भी पता कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, या तो 2 या फिर 8, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 14 के आगे, 14 के आगे 2 रख करके और 2 से ही क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 2 जा 3, यानी 2 रखने पर और 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारा, 284। ठीक, अब 284 में से 284 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 0। अब लिखेंगे देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू, कितना आंसर आ गया, 7.2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट देख लिया। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 42.25, तो चलिए इसका भी करते हैं, 42.25 25। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। ठीक, कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। अब देखिए डेसिमल वाले में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा आप फर्स्ट पेयर है तो फर्स्ट पेयर का काम करके, डेसिमल है तो डेसिमल जहाँ ऊपर में हम डाल देंगे, उसके बाद जो पेयर है नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे। तो चलिए हम फर्स्ट पेयर का काम करते हैं, 42 है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 42 आएगा या फिर इससे कम, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, जो कि इस नंबर से क्या आता है, बड़े नंबर आ जाते हैं, तो इसके जस्ट यानी 7 के जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर हम ले लेंगे 6 का स्क्वायर। 6 6 जा कितना हो जाता है, 36। अब 36 क्या करेंगे हम, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6 और 3 में से 3 जाएगा 0। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ क्या हो जाएगा, वो नंबर ऐड हो जाएगा, यानी 6 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। अब जो हमने 42 का तो काम कर लिया, 42 के बाद क्या आता है, डेसिमल, तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा और जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, यानी पेयर जो है हमारा जब भी आएगा तो पेयर ही आएगा साथ में। ठीक, यानी 25 है तो 25 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे कौन सा नंबर रखे कि 625 आ जाए, तो इसका लास्ट का डिजिट आप देख लीजिए 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर करने पर हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आता है, तो इसके आगे 12 के आगे आप 5 रख दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाता है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 2 5 जा 10 और 2 12 और 1 5 जा 5 और 1 6, यानी 5 रखने पर और 5 से ही मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 625। अब 625 में से 625 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू कितना, 6.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से हम अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, 31.36। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। चलिए हमने पेयर बना लिया, कितने पेयर बन गया, 2 पेयर। अब फर्स्ट पेयर का काम करेंगे, 31 है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 31 आ जाए या फिर इससे कम, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 आता है, जो कि इस नंबर से बड़ा नंबर आ जाता है, इसके जस्ट यानी 6 के जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर ले लेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब हम 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और 2 में से 2 गया 0। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5 कितना होगा, 10। अब 31 का काम हमने कर लिया, 31 के बाद क्या है, डेसिमल, डेसिमल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जो डेसिमल के बाद जो पेयर है, पेयर क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। ठीक, 36 है तो 36 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब 10 के आगे कौन सा नंबर रखे कि 636 आ जाएगा, तो वैसे भी क्लियर दिख रहा है 636 है, यानी 6 रखने पर और 6 से ही मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट 6, तो यानी 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर,
यानी 1 0 के आगे 4 रखेंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और 1 0 के आगे 6 रख दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 2 36 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 आ जाता है। और 1 6 6 यानी 6 रखने पर और 6 से ही मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 636। अब क्या करेंगे 636 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 5.6। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल वे में कर लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।